Good morning and welcome again, students. I hope you all are good at home and enjoying your online classes. So, in our previous classes, we started nouns. In which, what we done? We have done noun, what is noun and its kind. बेटा noun क्या होता है? किसी भी person का, किसी भी place का, किसी भी thing का name क्या होता है? Noun. और हमने इसको कितने parts में divide किया था? We divided it into 5 parts: common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, and collective noun. And I have already give you some question related to this, and I hope you have already done it because it's very simple for you. You just have to find it the kinds of noun, and आपको underline करना था कि जो मैंने आपको sentences दिए थे उनमें से कौन सा noun है. तो बेटा common noun क्या होता है? जहाँ पर आपको किसी भी यानी कि नॉन स्पेसिफिक यानी कि आपको किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस की कोई जो है वहाँ पे क्या डिफाइन ना किया गया हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. एग्जांपल भी हमने देखे थे कि यानी कि स्कूल हो गया, यहाँ पे स्कूल है, या फिर कोई नेम है. नेम इन द सेंस कि यहाँ पे मान लो कि आपके पास आपके स्कूल में जो है 5 नेम नंदनी नाम की 5 लड़कियाँ हैं. अब आपको बुलाना है नंदनी 7th क्लास को, ठीक है. अब आप अगर आपने नंदनी को बुलाया, पांचों की पांचों आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से आपके लिए भी जो है हार्ड हो जाएगा टू टेल ऑल ऑफ देम व्हाट इज़ योर वर्क. सो यू हैव टू डिफाइन इट. तो जब हम डिफाइन करते हैं उसको प्रॉपर में, तो यानी क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन, यानी कि स्पेसिफिकली आपने उसका बता दिया कि आप किसको किससे बात करना चाहते हो. फिर आता है कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का मतलब द थिंग्स, द पर्सन, या फिर हम ये कह सकते हैं ये प्रोसेसिव, यानी कि हम जिसको जो है टच या फिर सेंस कर सकते हैं, यानी कि वाटर, एयर, दीज थिंग्स आर कमिंग इन कॉन्क्रीट नाउन. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका बेटा बहुत सीधा सा है, यानी कि जिनको आप टच नहीं कर सकते, अपोजिट ऑफ द कॉन्क्रीट नाउन. जैसे कि आपकी फ्रीडम है, आपका इंजॉयमेंट है, यू कांट टच इट बट यू कैन ओनली फील इट. तो ये क्या होती है? यहाँ पे फीलिंग आपको बताती हैं. कलेक्टिव नाउन, बेटा कलेक्टिव का नाउन यही है कि कलेक्ट करना, यानी कि ग्रुप में होकर बात करना. अब इसको याद रखने के लिए बेटा एक छोटा सा जो है आपके लिए बहुत इजी सा फॉर्मेशन भी है. कैसे है? कैसे याद रखोगे कि नाउन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं? देखो, सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, यानी कि एक लड़का आया कहाँ पर? स्कूल में. यानी कि एक लड़का कॉमन हो गया ना. फिर हमने उस लड़के का नाम पूछा स्कूल में आते, बेटा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम क्या है? रोहन है. रोहन हो गया नेम, प्रॉपर हो गया. अब हमने पूछा बेटा, हमने अगर आप उससे पूछ रहे हो कि कौन सी क्लास में आपको एडमिशन चाहिए, यानी कि हमें उसको कौन सी क्लास में, क्लास 7th में एडमिशन चाहिए, हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है. एक लड़का आया, लड़के का नाम पूछा, कौन सी क्लास पूछी, तो हो गया प्रॉपर नाउन. अब बेटा आती है कॉन्क्रीट नाउन. उसने कहा कि मुझे चाहिए पानी, ठीक है. अब यू कैन सी कि कैन आई टच योर वाटर बॉटल, वाटर बॉटल हो गई ना. पानी को क्या मैं तुम्हारी बॉटल में जो पानी है वो पी सकता हूँ या उसको टच कर सकता हूँ? कौन सी नाउन हो गई? कॉन्क्रीट नाउन. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी उसने बनाए दोस्त अपनी क्लास में, क्लास में दोस्त बना लिए. दोस्त बनाए तो अब उनके दिमाग में आई क्या? शैतानी, यानी कि क्लास में शरारतें करने की, यानी कि शोर मचाने की. क्या करा उन्होंने? अपने दिमाग में आइडिया लगाया, तो क्या हो गई? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बेटा. अब कलेक्टिव नाउन का ऑलरेडी आई हैव गिव यू एग्जांपल कि सबने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, क्लास का एक ग्रुप हो गया. जब हम स्टूडेंट्स को जो है डिफाइन करना चाहते हैं कि क्लास 7th या क्लास 8th या क्लास 6th, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि हम क्लास 7th की बात कर रहे हैं, क्लास 8th की बात कर रहे हैं, या क्लास 6th की. तो ये बहुत सिंपल सा एक सिनेरियो हो गया आपके लिए कि आप इस तरीके से बहुत इजीली लर्न कर सकते हो कि किस तरह से नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं. ये तो हो गया है बेटा नाउन और नाउन के काइंड्स. अभी व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. बेटा क्लासिफिकेशन नाउन्स का मतलब ये है कि नाउन्स को जो है हम और दो तरीकों से यानी कि जान सकते हैं कि किस तरह से नाउन डिफाइन होती है. बेटा दो तरीकों से जो है इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है.
countable nouns और uncountable noun. बेटा when we are talking about countable, आपको बहुत ही सिंपल सा पता है कि countable का मतलब होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और uncountable which we can't count. सिंपल है बेटा. Now अभी बेटा इसमें कौन कौन से examples आते हैं, you can see I already done here. Example है ये इसका material. Material यानी gold हो गया, आयरन हो गया, डायमंड एंड अदर थिंग्स बेटा, राइट? बेटा इस तरह से ये देखो, यहाँ पर एक जो है आप ये भी कह सकते हो कि नाउन का एक और पार्ट है, वो है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, और साथ के साथ उसका जो क्या कर सकते हो, उसको तोल सकते हो. तो वो कौन से नाउन्स होंगे, मटेरियल नाउन. बेटा यू कैन ऑलरेडी राइट इट, ठीक है, यानी कि मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन कौन से हो सकते हैं, विच यू कैन काउंट, इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन. अभी बेटा अनकाउंटेबल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, आप बता सकते हो मेरे को? चलो मैं बताती हूँ आपको. एक तो आ गया बेटा पेपर. बेटा पेपर इसलिए आया, देखो पेपर की क्वांटिटी आप बता सकते हो कि इतने पेजेस हैं, लेकिन वो कितने ज़्यादा, भी तो अरबों में भी हो सकते हैं, वो तो नहीं हम काउंट कर सकते ना. एग्जांपल एक इसका एक और है हेयर्स. बेटा हेयर्स है ना, कैन वी काउंट हेयर्स? नो, वी कांट काउंट हेयर्स. तो ये सब जो एग्जांपल्स आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, वो आते हैं अनकाउंटेबल में. अगर अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं इससे रिलेटेड कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं, अनकाउंटेबल कौन सी होती हैं, यू कैन ईजिली टेल देम कि हमें पता है कि कौन कौन सी होती हैं. बेटा वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि जो नाउन है आपकी पूरी ग्रामर को आगे जाके डिफाइन करेगा. वेन एवर यू डू प्रोनाउंस, वेन एवर यू डू एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इवन दो हमारा जो बेस है टेंसेज, उसमें सबसे ज़्यादा रोल ही नाउन्स का होता है, क्योंकि हमें जो है आगे जाके इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. नेक्स्ट बेटा हम क्या देखेंगे, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा. अभी बेटा नाउन्स को जो है ना एक कैटेगरीज बनाई हुई है नाउन्स की, हमने जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है, आपके बुक्स में सब कुछ मेंशन था कि हमने क्या क्या करा था. और हमें स्टार्टिंग से ही, ठीक है, हमारी फर्स्ट क्लासेस से ही हमें बताया जाता है कि नाउन्स जो है दो कैटेगरीज होती हैं. बेटा कौन सी कैटेगरीज होती हैं बेटा, बता सकते हो? एक तो होती है नंबर और सेकेंड जेंडर. यू हैव ऑलरेडी नोन दिस ना, आपको पता है ना, नंबर यानी कि एक सिंगुलर चीज को, ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये सिंगल है ना, तो ये सिंगुलर होगी. अगर ये दो होते तो वो क्या हो जाती, प्लूरल. तो वो कौन से हो गए हैं, नंबर नाउन और जेंडर. यानी कि जब हम जो है मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में हम जो है किसी को डिफाइन करते हैं तो वो कौन से होते हैं, जेंडर नाउन होते हैं बेटा. अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल पता होंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ नंबर नाउन. बेटा नंबर नाउन्स हैव अ टू पार्ट्स, आपको सिंगुलर से प्लूरल नाउन में इसको चेंज करना होता है बेटा. डन. अभी बेटा इसके भी कुछ रूल्स हैं इसको चेंज करने के लिए, हाउ यू हैव टू चेंज इट. बेटा इसके लिए कुछ सिनेरियोज हैं, आपको पता है जब भी हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं बेटा, अल्फ़ाबेट्स यानी ए टू जेड है, उसको जो है दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो वोवल्स और एक कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन, ठीक है बेटा. हमारे वोवल्स कितने होते हैं बोलो, वोवल्स ए आई ई ओ यू, राइट. इसके अलावा जो भी हमारे अल्फाबेट्स रह गए वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए. बेटा अब कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं, देखो लास्ट में अगर बेटा मैं आपको पहला रूल बता रही हूँ अभी इसका, लास्ट में अगर आपके पास वाई है, ठीक है, लास्ट में अगर आपके पास वाई है और वाई से पहले क्या है
बिफोर वाई इफ वी हैव एनी कॉन्सनेंट. कॉन्सनेंट यू ऑलरेडी नो क्या है बेटा. अगर कॉन्सनेंट है तो वाई से पहले जो वो है वाई हट जाएगा और उसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, आई ई एस. डन. अगर दोबारा देखो बेटा, अगर लास्ट में वाई दिया हुआ है और वाई से पहले क्या है कोई भी कॉन्सनेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वाई वहां पर हट जाएगा और वो क्या बन जाएगा, उसकी जगह आई ई एस यूज हो जाएगा. बेटा इसका एग्जाम्पल देखो यहां पर, स्टोरी. स्टोरी देखो बेटा, वाई है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सनेंट है, यानी वो वाई हट जाएगा और क्या बन जाएगा, स्टोरीज बन जाएगा बेटा. डन. यू हैव ऑलरेडी डन इन टू दियर क्लासेस बेटा. तो बेटा आज हमने क्या देखा है, अभी आई जस्ट टोल्ड यू वन एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको एक रूल बताया है, ठीक है. इससे क्या होगा, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बट ये कंप्लीट करने से पहले वी हैव डू समथिंग, वी हैव डू सम एग्जाम्पल्स. यानी कि हमने जो नंबर्स और जेंडर मैं आपको बता रही हूँ, हम अभी नंबर के कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा दैट व्हाट वी आर डूइंग टुडे. सो बेटा, ठीक है, देखो हमने अभी एक रूल करा है जहां पर क्या था, वाई को रिमूव करके अगर उससे पहले क्या है कॉन्सनेंट है तो हम वाई को हटा के क्या लगा देंगे, आई ई एस, ठीक है. अभी कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स, क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बताओ. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टोरी, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्टोरीज हो गया बेटा. ये देखो बेटा हमने क्या करा, स्टोरीज. एक एग्जाम्पल और है, लेडी. वाई के पहले क्या है, कॉन्सनेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, लेडीज हो गया बेटा. अभी एक और एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, आफ्टर दैट आई एम जस्ट गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर रिलेटेड टू दिस, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ठीक है बेटा. एक और एग्जाम्पल है इसका, देखो स्टडी. वाई से पहले क्या है, सेम एज वेल क्या है, कॉन्सनेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, स्टडीज. ये मैंने आपको दिए हैं एक रूल जो हमने किया है नंबर्स का, वो मैंने आपको बताया है, यानी कि आपको सिंगुलर नाउन से, सिंगुलर से क्या चेंज करना है, आपको प्लूरल नाउन में चेंज करना है. ये मैंने आपको एक रूल बताया है बेटा, ठीक है. अब व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हम इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट, हम जो है इसके कुछ और रूल्स देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में. टिल देन यू हैव टू डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिट एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू.